हेलो एवरीवन, आपका निरुपमा होम किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मैंगो की पुडिंग। उसके लिए हमने एक मैंगो लिया है, बड़ा साइज का है। आप अगर छोटा साइज का हो तो दो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे छील लेंगे, इस तरीके से हम इसके सारे छिलके को निकाल कर साइड में रख लेंगे और इसे फिर कट कर लेंगे हम छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसे छील लिया है और इसे अब हम छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से काट लेंगे। ये मैंगो पुडिंग जो है बच्चों को या बड़े को किसी को भी पसंद आएगी। एक बार आप यह रेसिपी बनाकर देखिएगा कैसी लगी आपको यह रेसिपी। तो चलिए अब हम इसे इस तरीके से काट लेते हैं और काट के इसे रख लेंगे एक प्लेट में। छोटे बड़े साइज आप कैसे भी काट सकते हैं, बस इजली इसे हमें पीसना है इसलिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं इस तरीके से। इसके बीज के साइड में जो है गुद्दे उसे भी हम निकालेंगे इस तरीके से चाकू की सहायता से। ये देखिए हमारा निकल गया है सारा मैंगो का पल्स जो है, और एक छोटा सा टुकड़ा हमने बचाकर उसे और छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया है। इसे डेकोरेट करेंगे हम बाद में मैंगो पुडिंग बनने के बाद। तो इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं, एक जार में इसे हम डाल लेते हैं और इसे पीस लेंगे। इसके इसमें थोड़ा चीनी डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा चीनी। थोड़ा एक पिंच हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसे इतना ग्राइंड करना है ताकि ये पतला हो जाए अच्छे से। इस तरीके से हमने इसे पीस लिया है। अब हम एक बाउल में कॉर्नफ्लोर लेंगे 3 से 4 चम्मच के आसपास, और इसी कप से जो हमने नापा था कॉर्नफ्लोर को उसी से हम 1 कप दूध ले लेंगे और उसे हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। हमने ऐसे मिक्स कर लिया और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम जो मैंगो को पिसा था उसे डाल देंगे। थोड़ा कढ़ाई गर्म होने के बाद, तो ये हमारा कढ़ाई जो है गर्म हो रहा है, उसके बाद हम इसमें अपने मैंगो पल्स डाल देंगे। तो ये हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुका है। इसमें अब हम अपने जो मैंगो को पीस के रखा था उसे इस तरीके से डाल देंगे। हमने इसे ना ही ज़्यादा पतला किया है ना ही ज़्यादा रखा है गाढ़ा करके, तो इस तरीके से हम इसे डालेंगे और डाल के थोड़ी देर चलाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए हमारा मैंगो जो है पकना शुरू हो गया है, इसमें बबल्स आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। इस तरीके से देखिए हमने इसे बना दिया। अब इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर को खोल कर रखा था उसे भी डाल दिया है और इसे इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे भी जल्दी जल्दी चलाना है नहीं तो इसके जो है थक्के जम जाएंगे। इस तरीके से हमें इसे लगातार चलाना है और धीरे धीरे डालना है। इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे हम। और इसे पकने के बाद ये जब हमें गाढ़ा हो गया है तो हमें लगता है थोड़ा इसे डालना चाहिए दूध, तो इसमें हम डालेंगे नहीं तो इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो मुझे थोड़ा सा लगा इसलिए मैंने इसमें थोड़ा दूध डाल दिया इस तरीके से। अब इसे हम थोड़ी देर और पका लेते हैं 1 से 2 मिनट, और इस तरीके से पकाने के बाद हम इसे अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और जैसे ही हमारा ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें हम अपना आधा नींबू डाल देंगे जो काट कर रखा था ताकि ये जमे नहीं। इसके लिए हम इसमें डालते हैं नींबू को, जिससे ये खाने में जेली की तरह लगेगी आपको, इसलिए इसमें हम नींबू डालते हैं। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट पुडिंग बनकर रेडी है, मैंगो पुडिंग। तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे
थोड़ा ठंडा करके 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे डीप फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, नॉर्मल प्लेस पर रख देंगे उसे। तो इस तरीके से हमने रखने के बाद देखिए हमारा जो है वो कटोरी में से छोड़ने लगा है। ये हमारा बनकर रेडी हो गया है पुडिंग। तो इस तरीके से हम इसे प्लेट कर निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे अब हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो हमने जो मैंगो को काटा था छोटे छोटे टुकड़े में, वो इस तरीके से इसको ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा साइड साइड में रख देंगे, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी मज़ा आएगा बच्चों को, बड़ों को। आपको ये रेसिपी कैसी लगी?